विनय या विनय पीटक, आपने अगर धमकी थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको पता चलेगा कि जो भिक्खु और भिक्खुणी हैं, यानी जो मंक्स हैं या जो नंस हैं या जो भिक्खु भिक्षू हैं या भिक्षुणी हैं या जो भगवान बुद्ध के टीचर हैं या जो पाली पढ़ते समय जो चीवर पहन के स्टूडेंट पाली पढ़ते हैं, वो कुछ नियमों में बंधे होते हैं। उनके जो नियम हैं उनको विनय बोलते हैं। विनय की पूरी एक किताब है जिसको विनय पीटक बोलते हैं। विनय उन तीन मुख्य भागों में से एक भाग है जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। बेसिकली पहले दो भाग थे, एक विनय और एक सूत। सूत माने जो कहा गया है सारा वो, और एक भिक्खुओं के जो चर्या है जो पूरे दिन उनको करना होता है उसके नियम। बाद में तीन भाग हो गए, सुत पीटक दो भागों में बदल गया, एक सुत जो आम होते हैं और एक अभिधम्म पीटक। अभिधम्म का मतलब है जो खास तौर से मन का और जो शरीर का यानी कि नाम और रूप का जो साइंस और विज्ञान है वो अभिधम्म में आने लगा। यहाँ हम विनय पीटक की बात करेंगे। बेसिकली जो विनय है भिक्खु की आचार संहिता यानी कोड बोलते हैं, भिक्खु के मंक्स के कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने दुनिया में भिक्खु हैं वो इससे बंधे हुए होते हैं। ये भगवान बुद्ध ने जब धम्म को जाना, जब बोधि उनको प्राप्त हुई और बोधि प्राप्त होने के बाद में जब संघ बनना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे संघ बनता गया वैसे वैसे संघ में, क्योंकि संघ में जो आते थे वो पहले सीधे और साधे लोग ही आते थे, वो कोई पैदाइशी भिक्खु तो होते नहीं थे, तो वो आ रहे हैं और भगवान उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े उठना बैठना खाना पीना चलना बात करना चीत करना ये सारे नियम उनमें डेवलप किए भगवान बुद्ध ने। ये देखते हुए ये सारे प्रैक्टिकल हैं कि विपस्सना साधना में कौन से नियम सहायक हैं, कौन से नियम मोक्ष प्राप्त में निर्वाण प्राप्त में सहायक हैं, किस नियम से मोक्ष प्राप्ति में या निर्वाण प्राप्ति में नुकसान होता है और किससे फायदा होता है। तो सारे नियम जैसे जैसे समस्या आती गई भिक्खु संघ के अंदर वैसे वैसे वो नियम बनते गए और वो नियम फिक्स होते चले गए, परमानेंट बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जब शरीर को छोड़ा तो उस समय आनंद से कहा था कि भिक्खु चाहें तो कुछ नियम छोड़ सकते हैं छोटे मोटे, और बाद में भिक्खुओं ने छोड़े भी, कुछ बढ़ भी गए। यहाँ दो तरह के नियम चलते हैं, एक तो वो जो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल फिक्स किए थे, जितने फिक्स किए थे उतने चलते हैं, उसको स्थिरवाद बोलते हैं, वो अभी तक स्थिर हैं तो इसलिए उसको स्थिरवाद बोलते हैं या थेरवाद बोलते हैं, थेर और स्थिर एक ही बात होती है। और एक वो जो कुछ बदले थे उनको महासांगिक या महायानी बात बोलते हैं। तो जो फिक्स वाले हैं वो जो भिक्खुओं के लिए हैं वो 227 हैं और जो भिक्खुणियों के लिए हैं वो 311 हैं, और जो फिक्स नहीं है जो बदल गए हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ फिक्स वालों की बात करेंगे, वो ज़्यादा वाले भी कोई खास नहीं, छोटे मोटे फेर में बदलते हैं। धम्म एक ही है, बुद्ध एक ही हैं, जो पढ़ाया है वो सब एक ही है, रास्ता वही है, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता वही है सभी का, और सभी बुद्ध के अनुयायी हैं अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बुद्ध के अलावा उनका कोई उपास्य है भी नहीं, कोई टीचर है भी नहीं, कोई अभी तक ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जो बुद्ध से ज़्यादा जानकार हो और बुद्ध से ज़्यादा बता चुका हो या बता सके। तो यहाँ विनय का जो मेरा बताने का नियम है या जानकारी है वो इसलिए है क्योंकि आपको ये पता चले कि जो भिक्खु और जो भिक्खुणी आपके यहाँ आता है या जिसको जो बिहार में आपको मिलता है या जो रास्ते में आपको जाता हुआ दिखाई देता है वो कितने नियमों से बंधा होता है, कितनी मेहनत करता है और कितना ज़्यादा वो चीज़ों को देख के अच्छी तरह से संभाल के चलता है, कितनी नियम उसके पालन करने के लिए होते हैं ताकि आपका सम्मान आपका रेस्पेक्ट उसके प्रति बराबर मेंटेन रहे बढ़े और समझे। और जब आप किसी भिक्खु से भिक्खुणी से बात करें तो देखें कि भिक्खु कितने बंधे हुए नियमों में जो भगवान बुद्ध ने बनाए हैं कितनी अच्छी तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। और कभी आप अगर भिक्खु का जीवन जिए 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए 1 दिन के लिए 1 महीने के लिए कर सकते हैं जब चाहे जब, तो आपको आसानी हो कि भिक्खु के नियम पर चलने के लिए, तो आपको भिक्खु के नियमों का भिक्खुणी के नियमों का पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ विनय के नियम जो 227 और जो 311 हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बेसिकली जो विनय शब्द है, विनय में वी निकाल दीजिए तो नय रह जाता है। नय का मतलब है ढंग या पद्धति या तरीका या मैनर, यानी कि जो कोई चीज हम करने का ढंग है या पद्धति है उसको पाली में नय बोलते हैं। और अगर उस पर विशेष लगा दें, विशेष को शेष हटा के खाली वी रह जाता है, विशेष का मतलब है कोई खास चीज लगा दें तो वो
वी और ने बन जाता है, विनय बन जाता है, यानी खास तरह से जो पद्धति है, खास पद्धति। खास पद्धति इसलिए बोलते हैं क्योंकि विनय का मतलब, विनय जो नियम है वो भिक्कु और भिक्कुणियों के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए हैं और किसी पर लागू नहीं होते। यानी विनय जो, अगर कहीं विनय की हम बात करेंगे तो उसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो भिक्कु और भिक्कुणी के नियम है, जो उनकी चर्या के, दिनचर्या के नियम है, जो उनके धर्म सीखने के नियम है, उस नियम की बात हम कर रहे हैं। तो विशेष हो गया, इसलिए विनय हो गया, तो विनय हम इसलिए इसको विनय बोलते हैं। विनय में जब विनय के नियम बनते हैं और विनय के नियम आते हैं तो विनय में सबसे पहले जो आता है वो आता है निदान। निदान को इंग्लिश में कहें तो कन्फेशन बोलते हैं, जो बाद में ईसाई मत में भी गया। निदान जैसे कहते हैं ना कि कोई समस्या आ गई उसका निदान करना है, या वो हमने उसका निदानीकरण कर लिया है, या वो बात खराब हो गई थी मगर हमने उसको निदान कर लिया है। निदान का मतलब कन्फेशन है। भिक्कु और भिक्कुणियों में कोई समस्या आती है तो उसको निदान बोलते हैं, निदान करते हैं, वो कन्फेस करते हैं, उसकी मीटिंग होती है, उसको उपोषत भी बोलते हैं। बेसिकली उपोषत का असली मतलब वही है जहां वो अपनी कमियों को पूरा करते हैं, पोषित करते हैं, उपपोषित करते हैं जो सीखा है, तो उसको वहां वो उपोषित में बैठते हैं। ये प्रक्रिया महीने में दो बार अपनाई जाती है, एक जो चौदस होती है काली चौदस यानी ब्लैक वाला 14th day, और एक होता है पूर्णिमा यानी फुल मून डे। उस दिन वो सारे भिक्कू वहां बैठते हैं, तो सबसे पहले निदान का प्रोसेस होता है। उसके बाद में फिर भिक्कुओं के लिए 8 तरह का प्रोसेस और है, जो पाराजिक है, संघाधीशेष है, एनियत है, निसग्गीय है, पाचित्य है, पाचित्य है, पाटी देसरीय है, सेखी है और अधिकरण है। और महिलाओं के लिए एक कम होता है, महिलाओं के लिए अनियत नहीं होता, क्योंकि अनियत भिक्कु के लिए होता है। ये जब अनियत के बारे में जिक्र करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले निदान आएगा, उसके बाद में ये 8 आएंगे, तब ये जाके नियम पूरे होंगे जो 227 हैं और 311 हैं। आप इन नियमों को सीखिए और इनको जानिए और भिक्कु बनने की 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ट्रेनिंग करने का मन बनाइए। जब कभी भिक्कु कहीं हों उनके साथ में देखिए कि उनकी लाइफ कैसी होती है। संत की लाइफ जीना, साधु की लाइफ जीना अच्छा होता है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। मगर आप इस जानकारी को लेके कभी किसी भिक्कु या भिक्कुणी पे कोई उंगली ना उठाएं, मन में भी ये बात ना लाएं क्योंकि भिक्कु ने ये काम नहीं किया, विनय में तो ऐसा होता है, या विनय तो ये कहता है भिक्कु ये काम करता है, या भिक्कु ने ये नियम तोड़ा है, क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार कहने का कि भिक्कु, क्योंकि बड़े भिक्कु को है, जो उनसे बड़ा भिक्कु है, जो उनका संघ नायक है, जो संघ का पूरी तरह से मैनेज करता है, या एज में उनसे बड़ा भिक्कु है, उसका अधिकार है ये कहने का, आपका अधिकार नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी भिक्कु ने कोई नियम का पालन नहीं किया है या कोई ऐसी बात है, तो आप संयत रहें, आप इसकी चर्चा ना करें। अगर कभी कहीं जिक्र करना पड़े तो आप किसी बड़े भिक्कु से कह सकते हैं कि भिक्कु वहां ऐसे ऐसे बात हुई, बस कह के छोड़ दें, सलाह ना दें, मशवरा ना दें, इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि ये आपके नियम में आता नहीं है। यूं सम्राट अशोक ने बहुत सारे चीवर उतरवाए मगर उन्होंने खुद नहीं उतारे, उन्होंने भी भिक्कू को, जो बड़े भिक्कू थे उनको ये कहा कि बहुत सारे मत यहाँ हो गए हैं और इसमें बहुत ज्यादा आडंबकारी भिक्कू आ गए हैं, तो इसको धर्म को शुद्ध करना है, परिशुद्ध करना है, और जो भिक्कू अच्छे जानकार हैं उनको अलग करना है, और जो भिक्कू खराब हैं, जो भिक्कू रोटी के लिए आए हैं, या जो भिक्कू यहाँ गंध फैलाते हैं, या जिनका मत कुछ और है, या जो पैसा इकट्ठा करते हैं या व्यवचार करते हैं, उनको हटाना है। तो वो पर्दे में छुपे रहे अपनी सेना के साथ में, और भिक्कू ही भिक्कू से सवाल जवाब करके ये पूछा कि बताओ तुम्हें कितना धर्म आता है कितना नहीं है। जिस भिक्कू को ये समझते थे कि इसकी उपसंपदा नहीं हुई है, ये ट्रेंड नहीं है, ये बेकार भिक्कू है, ये जानता नहीं है, तो उसको उन्होंने कहा कि आप चीवर उतार के रख दें, और चीवर उतार के रखने के बाद में राजा के सैनिक उनको ले जाके आम आदमी का जीवन जीने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि कोई भिक्कू वहां पे कोई बदतमीजी ना करे, इसलिए राजा की सेना वहां पर्दे के पीछे थी। यानी वहां भी सम्राट अशोक ने इस बात को ध्यान रखा कि भिक्कू की लाइफ में भिक्कू ही, बड़ा भिक्कू ही एंटर कर सकता है, उपासक नहीं कर सकता, उपासिका नहीं कर सकती। तो आप ध्यान रखें, जानकारी जरूर लें, जानकारी इसलिए लें क्योंकि आपको जब भी भिक्कू बनेंगे तो विनय के नियम पहले से पता होगा, तो अच्छी तरह से आप भिक्कू बनेंगे, बढ़िया भिक्कू बनेंगे आप, और बहुत बढ़िया तरह से धर्म को फैलाएंगे, इसलिए जानकारी रखें। ये मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया, अगले सीरीज में आपको निदान बताऊंगा। निदान एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है जो भिक्कू संघ की सबसे पहले भूमिका होती है। धन्यवाद। आप सभी से
ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।